ईवीएम आने के बाद ईवीएम सरकार चुनती है, वोटर सरकार नहीं चुनते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। ये क्या जजमेंट है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये कोई पार्टी नहीं कह रही, नहीं तो बीजेपी वाले कहे थे अरे वो चुनाव हार गया इसलिए ऐसा कह रहा। तो सुप्रीम कोर्ट पार्टी थोड़ी है। ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया, मगर पेपर ट्रेल का जो कागज का टुकड़ा है उसकी तो गिनती नहीं होती थी। गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता था उसी की गिनती होती थी। किया जाए जैसा मशीन वो चाहते थे, उस मशीन का जैसा उपयोग करना चाहते थे वैसा उपयोग करने के लिए उनके पास ईवीएम मशीन का तजुर्बा होना जरूरी था। इसलिए 84 से लेकर उन्होंने 2004 तक ये प्रयोग किया और 2004 को फिर सारे देश भर में ईवीएम लागू किया। क्योंकि हमारे लोगों को बहुत सारी बातों की जानकारी नहीं होती है, इकट्ठा किए इसके सारे सबूत इकट्ठा किए गए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, और ये सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद ये सुप्रीम कोर्ट को दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को ये सारे सबूत दिए गए। लाल कृष्ण आडवाणी को कांग्रेस ने ये प्रस्ताव दिया था। क्या प्रस्ताव दिया था कि हमने दो बार घोटाला करके सरकार बनाई है, तुम भी दो बार कर। और हमारी छोटी सी शर्त है चुप हो जाए। आडवाणी की विचारधारा से हम सहमत नहीं है, मगर ईमानदारी इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। जो ईमान होता है ना, ईमान ये इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है। तो आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी है। वो जो कचरे के ढेर में पड़ा हुआ है ना अभी, वो उसी ईमानदारी की वजह से पड़ा हुआ है। आडवाणी जो है वो ईमानदार आदमी था, और उसके ईमानदार होने की एक वजह ये थी कि वो ब्राह्मण नहीं था। हाँ, ये भी एक बड़ी वजह है। हाँ, लालकृष्ण आडवाणी जो है ये ब्राह्मण नहीं है। तो ये ईमानदार आदमी था तो उसने इस बात को नहीं माना और ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेके गए। अगर आडवाणी नहीं चाहते तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। और सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने के बाद 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। ए फैसला है, जजमेंट है, काल्पनिक बातें नहीं बोल रहा हूं। ए सुप्रीम कोर्ट ने ए जजमेंट दिया। ये क्या जजमेंट है कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। ये कोई पार्टी नहीं कह रही, नहीं तो बीजेपी वाले कहे थे अरे वो चुनाव हार गया इसलिए ऐसा कह रहा। तो सुप्रीम कोर्ट पार्टी थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लोगों की बातों को सुना, सरकार का भी सुना, चुनाव आयोग का भी सुना, विरोधी पार्टी का भी सुना। सबका सुनने के बाद निर्णय दिया कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देने के बाद में ये जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने और एक कहा कि चूंकि केवल ईवीएम मशीन के द्वारा
फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। फ्री का मतलब मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, फेयर का मतलब निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट का मतलब पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। क्योंकि पहले जो ईवीएम मशीन थी उसमें वोटर वोट डालने के बाद उसका वोट किसके नाम पर जमा हुआ आंखों से दिखता नहीं था, आंखों से दिखता नहीं था, तो ये मशीन पारदर्शी भी नहीं थी। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा हुआ है। और फिर जजमेंट में दूसरी बात लिखी कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई। तो पेपर ट्रेल मशीन लगाने से क्या हुआ? पेपर ट्रेल मशीन लगाने से केवल ये दिखाई देता था कि आपने जिस पर बटन दबाया उसी पर स्टैंप लगा, आंखों से केवल दिखाई देता था, केवल आंखों से दिखाई देता था। और दिखाई देने के बाद कागज का टुकड़ा कटकर बैलेट बॉक्स में गिरता था, मगर गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता है उसी ईवीएम की गिनती होती थी। यानी घोटाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लगने के बाद भी बदस्तूर जारी रहा। क्यों? क्योंकि कागज का टुकड़ा गिरकर जो बैलेट बॉक्स में गिरता था उस कागज के टुकड़े की गिनती नहीं होती थी। ईवीएम मशीन ये टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है कि यान चांद पर गया, चांद पर जाने के बाद पता चला बॉम्बे के इंजीनियरों को कि कुछ यान में गड़बड़ी हो गई। तो बॉम्बे के इंजीनियरों ने कहा चलो दुरुस्त कर लेते, यानी यान उधर है चांद पर है और इधर बैठे बैठे ही दुरुस्त करते थे इसरो में। यहां पर ईवीएम है और यहां पर वो आदमी है, वो यहां यहां नहीं कर सकता, चांद पर कर सकता है। चांद पर सुधार कर सकता है, इसका मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत जानने वाले जो लोग हैं उनको मतलब रिमोट कंट्रोल टेक्निक है। रिमोट से उसको चलाते थे और अपने हिसाब से उसका उपयोग करते थे। तो यहां के यहां क्यों नहीं किया जा सकता? तो ईवीएम मशीन में पेपर ट्रेल मशीन लगाया गया, मगर पेपर ट्रेल का जो कागज का टुकड़ा है उसमें तो स्टैंप लगा हुआ है, उसकी तो गिनती नहीं होती थी। गिनती जिस ईवीएम में घोटाला होता था उसी की गिनती होती थी। तो ये अभी भी जारी है, ये अभी भी जारी है। भ्रम क्या हुआ? अरे पेपर ट्रेल तो लग गए ना, आप बोल रहे थे लगा दिया। जैसे बहुत सारी महिलाएं कार्यक्रम में जाने के पहले झुमका लगा देती है और घर में जाने के बाद वापस फिर उतार कर रख देती है, उसी तरह से चुनाव आयोग ने वो मशीन लगा दिया, हो गया, फिर उसको उतार के रख दिया, उसका कोई उपयोग नहीं करते थे। ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, महिलाएं अपने मन में किंतु परंतु ना रखे, मैं एग्जाम्पल आप लोगों को समझने के लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल देने के लिए बता रहा हूं ताकि बात हमारे लोगों के समझ में आ जाए। साथियों, ये जो ईवीएम मशीन है, ये ईवीएम मशीन हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ईवीएम मशीन ने आपका शासक चुनने का जो अधिकार है, शासक बनने का जो अधिकार है, वो वोट में शामिल है। आप जिसको चुनना चाहते हैं, तो आप अगर अपने आप को चुनना चाहते हैं, वो अधिकार इसकी बदौलत खत्म हो जाता है, इसकी वजह से खत्म हो जाता है। अगर आपका वोट का अधिकार खत्म हो गया तो क्या होगा? तो ये भ्रम खत्म हो जाएगा। कौन सा? वोटर सरकार चुनते हैं,
सबसे अहम बात समझना जरूरी है, क्या है? वोटर सरकार चुनते हैं, वोटर सरकार चुनते थे। ईवीएम आने के बाद ईवीएम सरकार चुनती है, वोटर सरकार नहीं चुनते हैं। ये वोट की सरकार बनना बंद हो गया ईवीएम की वजह से, और इस वजह से क्या होगा? बारी बारी से राज होगा। कांग्रेस जाएगी तो बीजेपी आएगी, बीजेपी जाएगी तो कांग्रेस आएगी, ऐसे होगा। इससे इस देश में लोकतंत्र की जो सरकार है, वोटों के समर्थन की सरकार, जो जनता भारत की चाहती है, जिसको सरकार बनाना चाहती है, वो सरकार नहीं बनेगी।